नमस्कार, प्रकाशक के पटल पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज की ये खास शाम रूबरू के नाम और रूबरू जिस जिन शख्सियत से आज हम हो रहे हैं वो बहुत खास हैं। मैं उनका परिचय करवाऊं एक शब्द में, तो जैसा कि मैंने अपने पोस्टर में कहा है, वरिष्ठ मीडिया प्रोफेशनल श्री नीरज शर्मा जी। नमस्ते नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रकाशक के पटल पर। नमस्कार राजन जी। नमस्कार। और आज आपको अपने बीच पाकर, अपने सारे सुनने वालों के बीच पाकर बहुत खुशी हो रही है। नीरज जी के परिचय के लिए मैं अभी तो हम रूबरू में बहुत कुछ जानेंगे उनके बारे में, लेकिन एक छोटी सी शुरुआत जो कि मुझे करनी चाहिए। 40 साल का अनुभव कुछ कम नहीं होता। 40 साल उम्र के ऐसे साल होते हैं जब आदमी कितना कुछ संजो लेता है, और उसमें उन 40 सालों में नीरज जी ने कितना कुछ संजोया होगा ये तो आज हम जानेंगे ही जानेंगे, क्योंकि दृश्य और श्रव्य दोनों ही माध्यमों में उनकी बड़ी मजबूत पकड़ रही है। और ये पकड़ इस लिहाज से भी बहुत ज्यादा खास हो जाती है कि चाहे वो कैमरे के पीछे हो या कैमरे के आगे हो या माइक के पीछे हो और माइक के आगे हो, वो हर जगह अपनी धाक जमाने में सफल रहते हैं। तो ऐसे नीरज जी जब हमारे बीच होते हैं तो मुझे कुछ बोलने में थोड़ा सा संकोच होता है, लेकिन अब संकोच करने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि नीरज जी सामने हैं तो थोड़ा सा उनको कुरेदना बनता है। और हम अगर बात करें तो प्रथम प्रतिश्रुति का नाम सबको याद होगा। मैं बताऊं नीरज जी आपको कि प्रथम प्रतिश्रुति की बात जैसे ही मैं किसी से जिक्र कर रही थी तो उन्होंने जैसे ही नाम सुना उन्होंने तुरंत कहा कि मुझे उसका एक सीन याद आता है जी जिसमें छोटी बच्ची मसहरी के अंदर जाती है और जब वो निकलती है बाहर तो वो रामेश्वरी बनकर निकलती है। जी जी तो वो एक ऐसा, और वो काफी बड़ी हो गई है, काफी वरिष्ठ है वो, तो उस इस उम्र में आकर भी उस जमाने का धारावाहिक किसी के दिमाग में इस कदर बेबस है, इतना याद है, तो उसका बहुत कुछ श्रेय इस धारावाहिक के निर्देशक को जाता है। क्या बात है, आरंभ भोर फुलवा एक हसीन इत्तेफाक जैसे बहुत नामचीन धारावाहिक जिनसे हम बहुत शिद्दत से जुड़े रहे हैं और बदस्तूर देखा रहा है देखते गए हैं, और जिन्होंने ऑडियंस रेटिंग में सबसे ऊपर अपनी जगह बनाई है, उन सभी का उन्होंने निर्देशन किया है। बहुत सारे कॉमर्शियल्स हैं, और कॉमर्शियल्स की बात मैं अगर करूं तो मैं नीरज जी से कहूंगी कि वो अपने कॉमर्शियल की, एक बहुत मशहूर कॉमर्शियल था वो, उसकी पंक्ति अभी हम सुनेंगे जरूर। कुछ सोने जैसी शख्सियत हो तो सोने जैसे कॉमर्शियल्स की बात बनती बनती है। मंजरी स्नेह वर्मा हमारे साथ जुड़ गई है। मंजरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा रेडियो से बहुत गहराई से जुड़े हुए, रेडियो से इतना जुड़े हुए हैं कि जैसे रेडियो रगों में खून बनकर दौड़ता है, बस कुछ ऐसा ही नीरज जी के साथ है। और चैनल हेड रहे हैं सुप्रभाती टीवी चैनल के मेरठ से, और इतना सारा परिचय मैंने दिया फिर भी बहुत कुछ बातें रह गई हैं, तो अब सब बातें मैं ही ना करते हुए आदरणीय नीरज जी को आमंत्रित कर रही हूँ। हमारे साथ सुधा त्रिपाठी शुक्ला भी जुड़ गई हैं, बहुत अच्छी लेखिका और कवयित्री हैं। सुधा जी, बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी से अगर कोई ऐसी शख्सियत सामने हो तो सबसे पहले तो कहाँ से शुरू करूँ, मुझे ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले उस एड का जिक्र करना चाहूंगी जो कि बड़ा मशहूर हुआ था। नीरज जी, एक बार वो एड अगर हो जाए तो कैसा रहे? राजुल जी, आपने तो गागर में सागर समा दिया। असल में मैं इससे पहले कि मैं ऐड के बारे में कुछ बताऊं, मैं ये बताना चाहता हूं अपने सभी मित्रों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि मैं आकाशवाणी का प्रोडक्ट हूं।
एंड आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन आकाशवाणी। अगर यूं कहा जाए कि आकाशवाणी मेरी जननी है, अगर मैं आकाशवाणी से न जुड़ा होता तो मैंने अपने जीवन में जो कुछ आज तक किया है वो शायद मैं नहीं कर पाता। और उसका कारण सिर्फ ये है कि अगर आप टेलीविजन देखते हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अभी, तो इसमें विजुअल है और हमारी आवाज़ है। आवाज़ हम बंद कर दें तो कितनी देर तक लोग हमको देख सकते हैं या हम अपने आप को देख सकते हैं? और अगर पिक्चर को हम ब्लैक कर दें तो हमारी आवाज़ तो सुन ही सकते हैं। तो आकाशवाणी ने मुझे आवाज़ का इस्तेमाल करना सिखाया, और मेरे श्रद्धेय गुरु पंडित सत्येंद्र शरत, जिन्होंने मुझे माइक्रोफोन के आगे बोलना सिखाया, रेडियो नाटक की का व्याकरण सिखाया और शब्दों की का इस्तेमाल से जो शब्द चित्र बनता है वो कैसे बनता है वो मुझे उन्होंने सिखाया। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अब आते हैं विज्ञापन पे, जो आपने कहा था। तो विज्ञापन, शरद जी जो थे मेरे गुरु पंडित सत्येंद्र शरत, वो बहुत खिलाफ थे कि रेडियो नाटक करने वाले लोग विज्ञापन करें। वो कहते थे कि विज्ञापन करने वाले लोग शब्दों को चबाने लगते हैं। उनकी बात काफ़ी हद तक सही थी, आज मैं महसूस करता हूँ उस चीज़ को। लेकिन मैं एकमात्र व्यक्ति ऐसा था, उनका प्रिय कलाकार, जिसको उन्होंने रेडियो विज्ञापन करने से या टेलीविज़न के विज्ञापन करने से नहीं रोका। और वो रिहर्सल में मुझे अक्सर डांट दिया करते थे, क्या करते हो तुम? एकमात्र व्यक्ति वही थे जिन्होंने मुझे डांटा है आकाशवाणी की रिहर्सल में या रिकॉर्डिंग में। और उन्होंने मुझे डांट के कहते थे, शब्दों को चबा रहे हो तुम, चबाना बंद करो शब्दों को। तो जब डांट पड़ती थी तो मुझे समझ में आता था और मैं शब्दों का चबाना बंद कर देता था और सहज भाव से बोला करता था। जूं तो मैंने हजारों विज्ञापन किए हैं, और मैंने पंडित विनोद शर्मा जी से सुना है, आदरणीय अमीन साहब, इतना बड़ा स्कूल हैं, अपने ब्रिज जी हैं, इन सभी के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। दिल्ली में मैंने जो विज्ञापन किए उनकी संख्या हजारों में है, लेकिन कुछ विज्ञापन ऐसे हैं जो आज भी मुझसे, जैसे आपने जिक्र किया तो सभी लोग सुनना चाहते हैं। उनमें से एक था सोना हवाई चप्पल का, ये मैंने 80s में रिकॉर्ड किया था लेकिन आज भी जीवंत है। और वो था, आपका नाम सोनाराम, रहते कहाँ हैं सोनीपत में, खाते क्या हैं सोन हलवा, पहनते क्या सोना हवाई चप्पल, क्या बात है, सोना ही सोना, सोना हवाई चप्पल। तो ये वो विज्ञापन है जो जिसकी वजह से मुझे बहुत लोगों ने सराहा और आज तक लोग याद करते हैं उसके लिए। तो एक वजह है कि मैंने इस सबसे पहले इस विज्ञापन का जिक्र किया, इसलिए चूंकि ये विज्ञापन भी प्रथम प्रतिश्रुति की तरह ही सबके जहन में ताजा है। जैसे जब पहली बार मेरी आपसे फोन पर बात हो रही थी, तब भी जब आपने जैसे ये कहा, मैं इस आवाज को तुरंत पहचान गई। नाटकों के जरिए तो आपने बहुत कमाल किए हैं, रेडियो नाटकों के जरिए और अपने धारावाहिकों के जरिए, लेकिन आवाज का जो ये जादू है वो विज्ञापन के जरिए अभी तक लोगों के दिल पर कायम है। मैंने इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले आपके इस विज्ञापन का जिक्र किया था। तो चलिए, रेडियो की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों का आपने नाम लिया, कुछ ऐसे लोगों का नाम लिया जो कि हमारे लिए पितामह हैं और हमारे समझ लीजिए मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, या कहिए कि हमारे लिए एक ऐसी गीता है जिसको पढ़कर ही हम अपने कर्म क्षेत्र में उतरते हैं। तो आदरणीय सत्येंद्र शरद जी, उनसे जुड़ी हुई कोई बात, कोई वाक्या अगर आपको याद आ रहा। मैंने सबसे पहले प्ले जो था अपने युववाणी पे, तो मैं प्लेस कर रहा था सन 70 से, लेकिन सन 73 में मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। और मैं जब ऑडिशन देने के लिए गया तो बड़ी दिलचस्प मेरे साथ घटना हुई। ऑडिशन दे के जब मैं आया तो एक डायलॉग मैंने बोला, उस डायलॉग पे वो कागज़ मिला था वहाँ से, उस पर डायलॉग से पहले लिखा था स्वागत ब्रैकेट में, और मेरी समझ में नहीं आया कि स्वागत क्या है। तो मैंने डायलॉग बोल दिया और मुझे लगा मैंने तो कमाल कर दिया, लेकिन मैं फेल हो गया, ऑडिशन में फेल हो गया। तो दोबारा मैं फिर ऑडिशन देने के लिए गया, ये मैं युववाणी की बात बता रहा हूँ, और मुझे कृष्ण कुमार भार्गव मिले। कृष्ण कुमार भार्गव जो आकाशवाणी में समाचार वाचक थे,
वो जानते थे, मेरे फादर को भी जानते थे, मुझे भी। उन्होंने पूछा क्यों आए हो, मैंने कहा ऐसे ऐसे। उनसे मैंने पूछ लिया कि ये मैं फेल हो गया इसमें, बोलो। उन्होंने कहा बोल के बताओ। मैंने बोला तो उन्होंने कहा ये जो स्वागत लिखा है ये क्या है? मैंने कहा जी पता नहीं। कह लगे यही तो राज है, सेल्फ डायलॉग। सेल्फ कैसे बोलते हैं? सोलोलोक्वी जो है ये मुझे कृष्ण कुमार भार्गव जो थे उन्होंने बताया और मैं पास हो गया उसका। जब मैं दिल्ली स्टेशन पर गया तो ऑडिशन के लिए अप्लाई किया, तो ऑडिशन देने गया तो वहां किसी ने कहा कि भाई कोई अप्रोच है तुम्हारे पास? मैंने कहा अप्रोच तो कोई नहीं है। कहने लगे पास कैसे हो गए, कोई अप्रोच लगवाओ। तो मैंने कहा किसको अप्रोच लगवाऊं? कहने लगे कोई सत्येंद्र शरत हैं जो ऑडिशन ले रहे हैं, इनको फोन कराओ। तो मैं घर आया ऑडिशन के बाद, मैंने अपने फादर से कहा तो उन्होंने कुछ बातचीत कर करा के कहीं फोन कराया। तो शरद जी ने कहा कि आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, अब तो ऑडिशन हो चुके हैं, रिजल्ट बन चुका है, लेट मी सी इफ आई कैन डू समथिंग। तो उसके कुछ हफ्ता 10 दिन बाद मेरे पास चिट्ठी आ गई कि आप स्वर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी अप्रोच काम कर गई। तो साहब मैं उसके बाद कुछ प्लेज उनसे करने लगा, उनके साथ किए मैंने। और करने के बाद जब एक दिन मैंने उनसे जब थोड़ा खुला तो मैंने कहा शरद जी आपको याद है मैं वो टेलीफोन करवाया था लच्छू भाई से आपको? कह लगे हाँ नीरज, शरद जी ऐसे बोलते थे, हाँ फोन आया था। मैंने कहा जी वो आपके पास? कह लगे लेकिन देख जब मैंने लिस्ट में जाकर देखा तो तुम तो पास थे, अप्रोच की जरूरत ही नहीं थी। राजुल वाह जी मुझे मेरे ऊपर से इतना भारी बोझ उतरा जो मैं आज तक उसको अपने आप को रिलीव्ड महसूस करता हूँ। ये एक वाकया। दूसरा वाकया, मैं शरद जी पेन, अगर पेन नहीं है मेरे पास तो वो मुझे रिहर्सल से बाहर निकाल देते थे। बोलते थे बाहर जाओ, रिजर्व बैंक के सामने पेन वाला बैठा हुआ है, पटरी पे पेन लेकर आओ। और जब मैं जाने लगा, स्टूडेंट था मैं, तो पीछे से आवाज दिया करते थे, अरे सुनो पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ जी, क्या जाओ पेन लेके आओ। बात। और मुझसे देखिए कितना बड़ा सम्मान दिया। आई यूज टू बी द जूनियर मोस्ट इन द कास्ट। बोलते जब तक आओगे नहीं रिहर्सल शुरू नहीं होगी, जाइए लेके आइए। मैं पेन लेकर आता था, बैठता था तो रिहर्सल शुरू होती थी। कहते थे मार्क योर स्ट्रेस पॉजेज एम्फेसिस ब्रेक्स, मार्क करो उसको, भूल जाओगे नहीं तो। ऐसी मैं एक प्ले कर रहा था तो मशीन निपन की मशीनें हुआ करती थी पहले, आपको याद होगा मेल्ट्रॉन बाद में आई, तो अब तो खैर वो न्यूएंडो पे रिकॉर्ड होता सारा का सारा न्यूएंडो पे। तो शरद जी चले गए बाहर निकल के, 5 नंबर स्टूडियो हुआ करता था जो आज दिल्ली में 1 नंबर स्टूडियो बन गया है। तो वो चले गए निकल के, और वहां जेमिनी कुमार वीरेंद्र, अरुण माथुर, वीएम बडोला, बीएल टंडन, ऐसे सीनियर लोग बैठे हुए, पंडित दीनानाथ जोशी, वो लोग बैठे हुए और वो सब बातें कर रहे हैं और मैं उनकी बातें सुन रहे ऐसे। आई एम ए वेरी पेशेंट लिसनर, तो मैं ऐसी बातें सुन रहा हूं उनकी। शरद जी आए कंट्रोल रूम से, उन्होंने देखा कि ये नीरज जो है इनकी बातें सुन रहा है। दरवाजा खोल के अंदर आए, बोले ये जेमिनी कुमार वीरेंद्र 20 साल से कर रहे हैं रेडियो, ये अरुण माथुर 22 साल से कर रहे हैं, वीएम बडोला 30 साल से कर रहे हैं, बीएल टंडन इतने साल से कर रहे हैं, पंडित दीनानाथ जोशी स्टॉलवर्ड हैं, माइक्रोफोन पे तुमको धो के रख देंगे ये। स्क्रिप्ट से निगाह कैसे उठ गई, और साहब मेरे काटो तो खून नहीं। वो जो आदत पड़ी वो आज भी बरकरार है, और जब भी स्क्रिप्ट हाथ में मिलती है तो उसको पढ़ना, उसे मार्क करना, और निगाह नहीं उठती। आज भी शरद जी का ध्यान आ जाता कहीं मुझे आके डांट ना दें वो। तो ऐसी एक बहुत जबरदस्त एक एक प्ले था, मृदुला गर्ग का लिखा हुआ एक और अजनबी, उसमें वीना होरा थी मेन कैरेक्टर कर रही थी, अरुण माथुर थे, मनोज भटनागर थे। उस प्ले के लिए मुझे कास्ट किया गया, उसमें एक वीना होरा जो कैरेक्टर कर रही थी एक लड़का उनके सपने में आता था, एंड दैट वाज ड्रीम बॉय। दैट कैरेक्टर, वो कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता था लेकिन वो ड्रीम बॉय था। स्क्रिप्ट तो थी उसकी, डायलॉग उसने बोलने थे, तो वो रोल मुझे दे दिया गया। मैं पता नहीं सेकंड ईयर में पढ़ता होऊंगा अपने, तो मैं रिहर्सल में आता था
अब दैट वाज हाईली रोमांटिक सीक्वेंस, ऑलमोस्ट अ बेड सीक्वेंस। तो अब मैं, मुझसे कहा गया करो डायलॉग बोलो, अब वो नहीं हो रहा मेरे से, मुझे बहुत डांट पड़ी। बोले क्या करते हो तुम ये? फिर बोले कभी जिंदगी में इश्क विश्क किया नहीं किया? अब मैं चुप। बोले 15-20 इश्क करने के बाद तुमको इस लाइन में आना चाहिए था, जब बैठ जाओ जाके। अब मैं बैठ गया। जब रिहर्सल खत्म हुई तो मुझसे बोले कि ऐसा करो, इधर आओ। उन्होंने मुझे उसको उसका पोस्टमार्टम करके समझाया, उसका स्क्रिप्ट का। और मैं घर गया, मैं पुरानी दिल्ली में रहता था, हमारा दालान था नीचे, पूरी रात मैं उस डायलॉग्स को पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा। अगले दिन दिल्ली स्टेशन में CRR हुआ करता था, 17 नंबर स्टूडियो था वहाँ, वहाँ उसकी रिकॉर्डिंग। हम पहुँचे, अब मैं बैठ गया और मैं अंदर से कांप रहा था कि हाउ आई एम गोइंग टू परफॉर्म। तो मेरा सीन आया और मैं माइक्रोफोन पे जाके खड़ा हुआ। शरद जी बोले, अरे नौजवान, पंडित जी बोलते थे मुझको, पंडित जी तैयार? मैं, हाँ जी। वीना जी आई, धीरज घबराना नहीं। मैंने कहा नहीं जी। और रिकॉर्डिंग शुरू हुई उसकी, एंड वी रिकॉर्डिंग खत्म होते ही शरद जी कंट्रोल रूम से दौड़े हुए आया, मुझे चिपटा लिया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या बात है। उसके बाद मेरे दो सीक्वेंस थे, उसमें दो सीन थे, एक थोड़ा सा जिसकी प्लेसमेंट थोड़ी बाद में थी। तो वीना जी ने कहा मेरे से, शी वॉज अ ग्रेट सपोर्ट वीना होरा, बोली शरद जी नीरज का अगला सीन भी अभी कर लें, ये मूड में है, अच्छा हो जाएगा। एंड दैट वॉज अ ग्रेट रिलीफ टू मी। और वो सीन हुआ और उसके बाद वीना जी भी आ गई, शरद जी भी आ गए, दोनों ने मुझे चिपटा लिया। और राजुल जी, उसको आकाशवाणी का एनुअल अवार्ड मिला उस प्ले को, क्या? और हमको बुलाया गया और हमें समोसा और चाय मिली थी खाने को। क्या बात है, क्या बात है। वो समोसे और चाय का स्वाद तो जिंदगी में कभी भी जबान से और जहन से नहीं जाएगा। सही कहती हैं आप, बिल्कुल। अच्छा, ये तो वो प्ले था जिसमें आप थोड़ा सा जम चुके थे जी, वो कौन सा प्ले था जहां पर आपने बिल्कुल, जिसको कहते हैं नवांकुर, जो एकदम नया नया शुरू हुआ था, पहला पहला प्यार, पहला पहला प्ले, पहली पहली बरसात, कैसे था? मेरा पहला प्ले आकाशवाणी दिल्ली से जो हुआ वो था आर के शर्मा का लिखा हुआ आंसू सूख गए। उसमें अशोक सरीन हीरो थे, अगेन वीना जी थी, वीना होरा। मैंने बड़ा छोटा सा रोल किया था और उस प्ले में मुझे बड़ी डांट पड़ी थी। मुझे शादी में जाना था तो मैंने कहा जी मैं शादी में जाना है। तो कहने लगे शादी में जाना है तो प्ले करने क्यों आते हो? अगेन शरद जी, डांटा उन्होंने मुझे। और मैं बैठा रहा और वो प्ले हुआ। उसके बाद मुझे छोटे छोटे रोल मिलके, एक प्ले था गोपाल दास जी का लिखा हुआ। गोपाल दास जी रिटायर हुए जब जयपुर स्टेशन के डायरेक्टर थे वो। प्ले का नाम था पूतों फलो और वो एक ऐसे 17 साल के लड़के की कहानी थी जिसके पिता और माता लड़के की चाह में लड़कियों को जन्म देते चले जाते हैं। अच्छा। और लड़का होता है बाद में, तो जब लड़का उनका जो होता है वो उस पर ध्यान देते हैं, हर चीज उसके लिए करने की कोशिश करते हैं, लड़कियों को इग्नोर करते हैं। और लड़का जो है वो इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता, तो वो अपने पिता को एक चिट्ठी लिखता है और चिट्ठी लिखने के बाद उस घर से चला जाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाता है। तो इस 45 मिनट के प्ले में 35 मिनट मुझे बोलना था, एंड आई वॉज टू यंग। मैंने आकाशवाणी से नाटक करना शुरू किया 1973 में, ये 74 एंड और 75 बिगिनिंग की बात है। शरद जी ने मुझसे कहा कि भाई नीरज, तुमको एक रोल दे रहे हैं, अगर तुम ये ठीक ठाक नहीं हुआ तो हम तुम्हारा रोल चेंज कर देंगे, छोटे भाई का रोल करेंगे, टेक इट एज ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। मैंने कहा जी ठीक है। आकाशवाणी में 3 दिन रिहर्सल हुआ करती थी, इस प्ले की 5 दिन रिहर्सल हुई और गोपाल दास जी भी रिहर्सल में आए और 5वें दिन इसकी रिकॉर्डिंग शुरू हुई। और राजुल जी 9:30 बजे प्ले का ब्रॉडकास्ट होता है और उसी दिन शाम को 7:30 बजे इस प्ले की रिकॉर्डिंग खत्म हुई। और मैं अपने घर में बैठ गया, रेडियो ऑन करके मेरे घर वाले बैठ गए, हमने सबको बोल दिया। और 9:28 पर गोपाल सक्सेना
जो प्रोडक्शन असिस्टेंट थे शरद जी के उन दिनों, वो टेप लेके दौड़े दौड़े गए स्टूडियो में, टेप चढ़ा और 9:30 बजे शुरू हो गया। वो प्ले जब ब्रॉडकास्ट हुआ तो जैसे कोई फिल्म रिलीज होती है ना, लोग कहते हैं अरे ये एक्टर कौन था, ये एक्टर कौन था, वो हीरो बन जाता है वो आदमी। सो आई बिकेम स्टार फ्रॉम दैट प्ले, और उस प्ले का नाम था पूतों फलो। और अगले दिन से सब ने पूछना शुरू कर दिया, यार वो आवाज किसकी थी, वो कौन था, वो कौन था। और उसके बाद से लेके आज तक ये सोच लीजिए कि 73 74 73 से 27 साल और 20 साल और जोड़ दीजिए 47 49 ईयर्स हो गए हैं आज तक। मेरे गुरु की मेहरबानी से मुझे हमेशा मेन रोल मिला है और आज भी करता हूँ। क्या बात, अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ मैं। पूतो फलो का कोई डायलॉग याद है? पूतो फलो का यूं तो बहुत सारी चीजें थी उसमें, लेकिन मुझे उसकी एक बात बड़ी याद है। हाँ, आखिर में जब वो पत्र समाप्त करता है, उसका नाम था दीपू, तो मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इस प्ले से जुड़ी हुई एक और बात है, वो मैं आपको बताऊंगा। लास्ट में वो लिखता है दीपू, तो वो लिखता है मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता जब मैं अपने छोटी बहनों और भाई की तरफ देखता हूं तो मुझे अनुभव होता है जैसे मैं उनका हक मार रहा हूं। मैं जा रहा हूं, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करिएगा, आपका दीपू। इस दीपू के लिए 25 टेक हुए थे। मैं कहा आपका दीपू, दीप बोले आपका दीपू, द पे पूरा स्ट्रेस देके पू लाओ, आपका दीपू। तो ये जो फाइनर नुएंसेस थे ना, शरद जी ने सिखाया मुझे। कुछ साल के बाद शरद जी बोले नीरज जी इस प्ले को दोबारा रिकॉर्ड करें। मैंने कहा जी। बोले कि तुम्हारी आवाज भी मंच गई है, तुम्हारे नुआंसेस बेहतर हो गए हैं, स्ट्रेसेस पॉजेस बढ़िया हो गए हैं, नाउ यू कैन परफॉर्म इन अ बेटर वे। मैंने कहा शरद जी मैं इस प्ले को दोबारा करना चाहता हूँ, आप इसको करेंगे? हाँ ओके लेट मी थिंक। हफ्ता 10 दिन बाद में उन पर पहुंचा और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कब कर रहे हैं हम उस प्ले को दोबारा? चुप हो गए। शरद जी ऐसे ही करते थे। बोले एक बात कहूं? मैंने कहा हाँ जी। स्ट्रेसेस पॉजेज एम्फेसिस नुएंसेस प्रोजेक्शन प्रेजेंटेशन ड्रामा एक्सप्रेशंस सब में सुधार आया तुम्हारा, लेकिन 17 साल के उस बच्चे की वो कच्ची आवाज कहां से लाओगे? मैं उनको प्रणाम करता हूं आज, उन जैसी शख्सियत, उन जैसा डायरेक्टर। मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया, मैंने दीनानाथ जी के साथ किया, चिरंजीत जी के साथ काम किया, अनवर खान साहब के साथ काम किया, मैंने भारत रत्न भार्गव के साथ काम किया, सत्य प्रकाश हिंदवान के साथ काम किया, सुशील बैनर्जी के साथ काम किया, एफ सी मेहरा के साथ, एफ सी माथुर के साथ काम किया, और बहुत लोगों के साथ काम किया, लेकिन शरद जी ने जो मुझे दिया है ना वो अनमोल है। चले वो आवाज कहां से लाओगे? ऑन द अदर हैंड एक उपन्यास है बेगम का तकिया, आप अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आई एम प्लानिंग टू मेक ए फिल्म ऑन बेगम का तकिया, फीचर फिल्म चल रहा है काम उस पे। उसमें अगर आपने बेगम का तकिया सुना हो या नाटक देखा हो, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने 150 का करीब शोज किए हैं, उसमें पीरा का एक चरित्र है, पीरा। और वो पीरा जो है वो ईमानदार है और बेवकूफी की हद तक ईमानदार है वो पीरा, और मेमार है, मेमार मतलब राज मजदूर, मेसन्स, मेसन्स की कहानी है। तो उनकी जबान तो मुजफ्फरनगर और मेरठ की तरफ की है। तू क्या खा रहा? ना ठीक है बाबा, तू जाने। ना 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 मैं नहीं करूंगा, अकेला बैठा रहूंगा यहाँ पे, नहीं करूंगा, लेकिन मैं
इस तरह की भाषा, एंड आई वॉज वेरी कल्चर्ड पर्सन इन इन वॉइस के हिसाब से। तो जब शरद जी ये प्ले कर रहे थे तो मुझे शत प्रतिशत ये विश्वास था कि शरद जी पीरा का रोल मेरे से कराएंगे। और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी पीरा का रोल मुझे करना है, ठीक ठीक। लेकिन राजुल जी पीरा का रोल उन्होंने मुझसे नहीं कराया। मैं, लोगों ने मुझे भड़काया, मैं उनसे नाराज हो गया। मैं उनके पास गया एक दिन, मैंने कहा शरद जी आपसे मुझे शिकायत है। मतलब क्या? मैंने कहा आपने पीरा का रोल मुझसे क्यों नहीं कराया? फिर चुप हो गए, वो काम करते रहे। बोले नीरज, पीरा की आवाज में जो रस्टिक वो है, रस्टिक है, रफ है, रफनेस है, हाँ, वो तुम्हारी आवाज में नहीं है। यू आर ए कल्चर्ड पर्सन, यू हैव गॉट अ कल्चर्ड वॉइस। एंड दैट वॉज द डे राजुल जी कि मुझे उस दिन ये एहसास हुआ कि मुझे अपनी आवाज पे और काम करना है। और मैंने उसके बाद बहुत मेहनत की, और आज उसके बाद मेरे से रस्टिक रोल केक उन्होंने कराए, बाद में कराए, लेकिन बेगम का तकिया नहीं कराया। बेगम का तकिया के बारे में भी आपने वैसी दिलचस्प बातें हमारे साथ साझा की हैं। नीरज जी, एक बहुत लंबा सफर आपने तय किया है, और उस सफर की कुछ बातें मैंने समेटने की कोशिश की है। आपकी इजाजत हो तो हम जरा देख लें वो। प्लीज प्लीज। छोटी सी कोशिश मैंने की थी। आपने तो बहुत कुछ दिखा दिया। उसमें हमारे कॉलेज के साथी भी हैं, उसमें हमारे रेडियो के साथी भी हैं, उसमें मेरा बेटा भी है, मेरा सन इन लॉ भी है, मेरे हम घूमने जाया करते थे तो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं दो, और बहुत सारे ऐसे थिएटर के साथी हैं हमारे, जिसमें भारत भूषण शर्मा हैं, माया पंडित हैं, और जयवर्धन साहब हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, वो दाढ़ी वाले जो थे वो हैं, और काफी सारे लोग हैं। आपने तो ऐसा बिल्कुल इसको समेट दिया राजल जी, थैंक यू वेरी मच। कोशिश की थी, छोटी सी कोशिश की थी। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुनीता महेश्वरी जी हैं जी, बहुत अच्छी लेखिका हैं। सुनीता जी, जी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। अंजलि पाठक जी हैं, अंजलि जी लिखने पढ़ने के शौकीन हैं और टीचर हैं, और बड़े बच्चों वाली टीचर हैं ये, तो ट्वेल्थ और हायर सेकेंडरी लेवल वाली टीचर हैं, तो बड़ी ज़्यादा नज़र इनकी तेज है और बहुत मुस्तैदी से अपने उसमें तैनात रहती हैं, और नज़र तेज भी है और साफ भी है और बिल्कुल सटीक भी है। अंजलि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजीव जायसवाल जी साहित्यकार, लखनऊ के जाने माने सुप्रसिद्ध साहित्यकार और खास तौर से बाल साहित्य के लिए बहुत मशहूर हैं।
जी निधि श्रीवास्तव जी हैं। निधि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और निधि श्रीवास्तव जी के बारे में बताऊं आपको मैं, निधि श्रीवास्तव जो हैं ये वेरी फाइन सिंगर, ये एम्स्टर्डम में रहती हैं नीदरलैंड्स में, और बहुत बढ़िया गाती हैं साहब, ये कमाल है। क्या अगर बात मेरा है, बस चले, मेरा बस चले तो मैं अपनी फिल्म में इनका गाने ले लूं। क्या बात है, क्या बात है। तो उस बस को चलाइए जरूर से, जिसमें जिससे हमें विनिधि को आवाज की आवाज सुनने का मौका मिले। जी रजनीकांत शुक्ला जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीरज जी, हमने सत्येन जी के बारे में बहुत सारी बातें की और उनसे जुड़े हुए बहुत सारे आपने वाक्य आपके अपने अपनी स्मृतियों में से खंगाल के निकाल लिए। जी रेडियो से जुड़े हुए बहुत दिग्गज शख्सियतों के साथ आपने काम किया है, तो कोई और वाकया अगर ऐसा हो जो कि बिल्कुल यादगार हो। मैं एक तो चिरंजीत जी सब जानते हैं, चीफ प्रोड्यूसर थे वो, थोड़ी मजाक की सी बात है। और एक दीनानाथ जी, दीनानाथ जी को कौन नहीं जानता, इतने बढ़िया एक्टर, इतने बढ़िया डायरेक्टर, इतने बढ़िया इंसान। मैं इन दोनों के आपको वाकयात सुनाऊंगा। चिरंजीत जी 4th फ्लोर पे आकाशवाणी भवन में बैठा करते थे, हम जब रिहर्सल करने जाते थे वहाँ, तो चित्र पवई एक नाटक हो रहा था, अखिलन का उपन्यास है चित्र पवई, जिसका हिंदी में चित्रप्रिया के नाम से नेशनल प्रोग्राम में प्ले ब्रॉडकास्ट होना था। तो हम बैठे थे उनके अपने चेयर पे, वो बैठे थे, हम सामने बैठे थे, तो उनकी आदत थी वो ऐसे करते रहते थे अपना बालों को ना, ऐसे यहाँ से, अच्छा, और खींच भी लेते थे कई बार ऐसे, तो उसको देख के बड़ी हंसी आ जाती थी हमको। तो कहते क्या क्या, क्यों हंस रहे, क्यों हंस रहे, क्यों हंस रहे, नहीं कुछ नहीं हंस रहे, नहीं हंस रहे। तो रिहर्सल रिकॉर्डिंग चल रही थी हमारी स्टूडियो में, वही 5 नंबर स्टूडियो जो एक हो गया है। तो वो आए, इट वॉज अ मेलोड्रामा, चित्र पवई का जो नाटक था वो, और उसके अंदर वो अपनी प्रेमिका को, हाथों में चोटें लगी हुई हैं, पट्टियां बांधी हुई है उसने, और वो अपनी प्रेमिका को याद करके तूलिका से, ब्रश से चित्र बना रहा है, ये कहा थी। और वो डायलॉग चल रहे हैं पूरे उसके, हाईली ड्रामेटिक डायलॉग्स। तो चिरंजीत जी स्टूडियो में आए और मुझसे बोले, नीरज ये थोड़ा थोड़ा इसको थोड़ा, यू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड थोड़ा, थोड़ा। अच्छा, मैंने कहा जी मैं समझ गया। और फिर मैंने किया उसको, हथेली हाँ, हथेली में मेरे पसीने ऐसे तक आ ऐसे और गए, ऐसे ऐसे सब कुछ कर दिया आपने। सब कुछ कर दिया। उन्होंने कहा कुछ नहीं, लेकिन वो कहते मतलब यू सी नीरज थोड़ा, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। मैंने कहा जी मैं समझ गया बिल्कुल, देन वी डिड इट। ऐसी दीनानाथ जी, दीनानाथ जी वाज अ वेरी फाइन एक्टर एंड डायरेक्टर। दीनानाथ जी एक प्ले था, उसका नाम था शायद कुहासा, मैं, राज बब्बर, नादिरा और मलक कुमार, हम 4 लोग थे उसमें। 2 बजे का टाइम था रिहर्सल का, तो दीनानाथ जी के कमरे में हो रही थी, और दीनानाथ मैं थोड़ा लेट हो गया, तो सब लोग आ चुके थे मेरे अलावा। मैंने दीनानाथ जी के कमरे का दरवाज़ा खोला हल्के से, और दरवाज़ा खोल के अंदर झांका, दीनानाथ जी ने कनखियों से, छोटा सा चश्मा पहनते थे, नाक पे आ जाता था, कनखियों से उन्होंने देख लिया कि नीरज आ गया है। मैं अंदर घुसा, मैंने कहा जी नमस्कार, कहते आओ आओ बैठो 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 बैठो, और फिर उठा के सामने घड़ी की तरफ देखा यूं, अब फिर रिहर्सल करवाने लगे। मतलब उन्होंने अपने इस जेस्चर से ये जता दिया कि बेटा लेट आए हो तुम। एक बहुत जबरदस्त वाक्य मैं बताता हूं आपको, और ये मतलब मैं एक प्ले कर रहे थे हम, कल नहीं लौटेगा, और वो ऐसे एक लड़के की कहानी थी जिसकी बहन को जलाकर मार देते हैं दहेज के चक्कर में। तो दीनानाथ जी बोले कि इसके अंदर, उसमें एक सीन था कि भैया को दीनी है धानी चुनरिया, तीज पे वो गाना गाती है, भैया ने चुनरिया लाके दी होती है, भैया गाना रिकॉर्ड कर लेता है और उसकी कैसेट उसके पास होती है। तो देयर वाज अ सीन इन द प्ले कि वो लड़का, बहन मर चुकी है और वो घर में बैठा हुआ उसकी कैसेट चला के उस गाने को सुन रहा है, और सुन के ही इज क्राइंग। दैट वाज द सीन।
तो दीनानाथ जी बोले बेटा ये सीन हम ना अकेले में करेंगे, जब कोई नहीं होगा। मैंने कहा जी ठीक है। तो माला माला गुप्ता माँ का रोल कर रही थी वो, और ममता गुप्ता ने गाया था जो बीबीसी में है आजकल, उन्होंने बहन का रोल किया था और गाया भी उन्होंने था वो गाना। तो गोपाल सक्सेना आ गए और एक ऊंचे से प्लेटफॉर्म पे कैसेट रिकॉर्डर रख दिया गया, और मुझे उस कैसेट रिकॉर्डर को ऑन करना था, ऑन करके गाना शुरू होना था, और मैंने सुन सुन के सिसकना था। माता जी ने आना था और आके उसको लड़के को कंसोल करना था, एंड दैट वाज द एंड ऑफ द सीन। अब वो शुरू हुआ, मैंने उसका कैसेट प्लेयर का बटन दबाया और गाना शुरू हुआ, और गाना सुनते सुनते मैंने सिसकना शुरू किया। सिसकते सिसकते होते होते राजू जी मैं सचमुच रोने लगा। माला जी आई, आके उन्होंने मुझे कहा अरे बेटा अरे चुप हो जा, अरे तेरी सब कुछ थी क्या, मेरी कुछ नहीं थी, चली गई बेटा, ऐसे नहीं करते। उन्होंने मुझे कंसोल किया। मैं दाद दूंगा माला जी की भी कि उन्होंने किस तरह मुझे कंसोल किया। उन्होंने लिटरली उन्होंने मुझे ऐसे चिपटा लिया, और वो बहुत बढ़िया सीन हुआ। और जब सीन खत्म होने के बाद मैंने राइट साइड पर देखा, जहां पर दीनानाथ जी बैठे हुए थे और गोपाल सक्सेना मशीन पे बैठे हुए थे, गोपाल सक्सेना ऐसे बैठे हुए, नहीं गोपाल सक्सेना ऐसे बैठे हुए थे और दीनानाथ जी ऐसे बैठे हुए थे। मेरी समझ में नहीं आया हुआ क्या। मैंने कहा जी सीन हो गया। कोई जवाब नहीं। मैंने दोबारा पूछा इज इट ओके, कोई जवाब नहीं। मैंने दरवाजा खोला स्टूडियो का, कंट्रोल रूम का दरवाजा खोला और अंदर गया। मैंने कहा रिकॉर्डिंग हो गई ठीक है ना, इज इट ओके। 15 सेकंड के बाद दीनानाथ जी बोले बेटा, मैंने इस कमबख्त को, गोपाल सक्सेना की तरफ इशारा करके बोले, मैंने इस कमबख्त को समझाया था कि बड़ा टेप ले ले, टेप खत्म हो गया बीच में। ओ गॉड, मेरे से कहने लगे। मैंने कहा जी अब, कहते बेटा दोबारा करना पड़ेगा। मैं जानता था कि दोबारा नहीं होगा वैसा। वो भी बोले मुझे मालूम है धीरज जी वैसा दोबारा नहीं होगा, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है, इसको दोबारा करना पड़ेगा। वो सीन दोबारा किया गया लेकिन वैसा नहीं हुआ। उसके बाद गोपाल जी उस टेप को, जो रिकॉर्डिंग रुक गई थी, उसको सुना, लास्ट में इसको सुना, एक दो बार सुना, एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ हिज चेयर। मैं जोड़ दूंगा, मैं जोड़ दूंगा, मैं जोड़ दूंगा इसको, पागलों की तरह चिल्ला रहे वो। राजन जी उन्होंने जोड़ दिया, ओरिजिनल सीन इस्तेमाल हुआ, प्लस लास्ट की जो सांसें गड़बड़ हो रही थी वो उन्होंने उससे जोड़ के उस सीन को, पहले वाले सीन को ही रखा। तो ये लोग थे कारीगर, कलाकार, और मैं ये कभी नहीं भूल सकता जो ये घटना मेरे साथ हुई। आपने तो मुझे भी बिल्कुल एकदम बहुत ज्यादा भावुक कर दिया है, और लग रहा है वो ये स्थिति जब, खैर अब तो उस जमाने से हम गुजर चुके हैं, लेकिन टेप का खत्म हो जाना और टूट जाना, ये इस तरह के जो हादसे होते थे रिकॉर्डिंग के दौरान, वो कितना बुरा असर डालते थे, ये तो आज आपने मतलब एक और उदाहरण सुनने को मिला, और कसम से दिल धक से रह गया कि कितना सही बात मुश्किल कर रहा लिया, होगा। बहुत लेकिन मुश्किल था। वही है कि पारस थे वो सभी, और इसीलिए ऐसा खरा सोना निकला, इसने सोना ही सोना पहना दिया सब जगह। रजनीकांत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली के राउस एवेन्यू के जिस सरकारी स्कूल में मैं हिंदी अध्यापक रहा, उसी में आकाशवाणी दूरदर्शन के शरद दत्त जी कभी पढ़े थे। अच्छा, वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी खूब, बात है। बहुत अच्छी बात है। रेडियो का एक खास क्रेज रहा करता था, सुनने वालों के लिए, रेडियो को चाहने वालों के मन में अभी भी वही क्रेज है।
कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन रेडियो का एक जो स्टारडम था वो जब आपको मिलना शुरू हुआ तो कैसा लगना शुरू हुआ? मुझे इस बात का बहुत गर्व है राजीव जी कि मैं आकाशवाणी का प्रोडक्ट हूँ, और आकाशवाणी ने मुझे वो दिया है जिसकी बदौलत मैं जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ वो आकाशवाणी का दिया हुआ है। मैंने जब टेलीविजन सीरियल बनाने शुरू किए, अच्छा एक बड़े मज़ेदार बात बताऊँ आपको मैं। एक दिन शरद दत्त नहीं, मैं रजनीकांत जी शरद दत्त जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं श्रीमान सत्येंद्र शरद उनकी बात कर रहा हूँ। तो शरद जी ने एक दिन मुझे आशा पूर्णा देवी का उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति मेरे हाथों में थमा दिया, बोले इसको टेलीविजन के लिए बनाओ। और तो मैं राइट्स वाइट्स लेके आया, कलकत्ता गया, शरद जी के छोटे भाई थे शैलेंद्र कश्यप, उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी इसकी और वो अप्रूव भी हो गया। ये 1985 की बात बता रहा हूँ आपको मैं, और वो बना और बहुत पसंद किया गया, आज भी लोग उसके बारे में उसका जिक्र करते हैं। इस 5 जुलाई 1987 को इसका पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था, और 1 नवंबर 1987 को इसका 16वां एपिसोड टेलीकास्ट हुआ। और 16वां एपिसोड जब टेलीकास्ट हुआ तो मेरे ऑफिस में 2 टेलीफोन थे, और दोनों टेलीफोन टेलीकास्ट खत्म होने के बाद बार बार बराबर बज रहे थे, लेकिन मैं किसी से बात नहीं कर पाया। आई वॉज सो ओवरवेल्ड, टीयर्स वर इन माई आईज, मैं किसी से बात नहीं कर पाया। तो इसके बाद मुझको बहुत सी संस्थाओं ने पुरस्कृत करने के लिए बुलाया। तो मुझे जो वाकया याद है वो है मुजफ्फरनगर में एक पत्रकारों की एक संस्था थी, उसने मुझे पुरस्कृत करने के लिए बुलाया प्रथम प्रतिश्रुति के लिए कि मैंने जो सीरियल बनाया। तो वहां जब मुझे मंच पर बुलाया गया तो मुझसे कहा गया कि आप 2 शब्द कहें, तो मैं खड़े होकर बोलने लगा। मैंने कहा जो कुछ भी कहा, तो वहीं सामने लेफ्ट हैंड दरवाजे के पास एक कपल खड़ा हुआ था, क्योंकि बैठने की और जगह नहीं थी, तो एक कपल वहां खड़ा हुआ था। तो उसकी आवाज आई, जो जेंटलमैन थे, मुझे कहा नीरज जी आपसे मिलना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि हाँ मैं आता हूं आपके पास। कहना आप नहीं आएंगे, मैं आपके पास आऊंगा। और वो दोनों के दोनों वहां से चले मंच की सीढ़ियां चढ़ के, और वो मेरे पास आए, उन्होंने हाथ मिलाया, और मुझे आज भी अफसोस है कि मैंने उनसे ये सवाल क्यों किया। मैंने उनसे कहा कि आपने ये सीरियल देखा, कैसा लगा आपको? उन सज्जन के चेहरे के भाव बदल गए, उन्होंने अपना चश्मा उतारा और बोले नीरज जी मैं देख नहीं सकता। दिव्यांग थे वो, बोले मैं तो आपकी आवाज सुन के आया हूं, मैंने तो आपको रेडियो नाटकों में सुना है। दैट इज द ग्रेटेस्ट अवार्ड आई गॉट दैट डे। उस टेलीविजन सीरियल के लिए मुझे लाखों पुरस्कार दे दें, और उसका एक वाक्य, ऐसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक LSR की लेक्चरर थी, मैं लेक्चर देने गया था वहां, उन्होंने भी मुझसे आके यही बात कही, वो भी ब्लाइंड थी। तो मेरे लिए सारे पुरस्कार एक तरफ हैं, और ये जो 2 लोगों ने जीवन में मुझसे बात कही, वो तो बहुत बार कहा है, ये जो कहा ये मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्या कहती हैं आप? सही, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आवाज से किसी को छू लेना ये तो ईश्वर ही ईश्वर की ही देन होती है, और ईश्वर का ही वरदहस्त होता है, तभी कोई इंसान ये कर पाता है, और सब लोग नहीं कर पाते, ये भी बहुत सच बात है। अच्छा नीरज जी, बातचीत थोड़ी सी भारी हो गई, मेरा दिल भी भारी हो गया है, तो चलिए किसी से मिल लेते हैं। हाँ श्योर। मैं पहली बार नीरज से मिली थी 1986 में। काफी वो वाकया काफी इंटरेस्टिंग था। क्या है कि उस वक्त नीरज अपनी पहली सीरियल प्रथम प्रतिश्रुति के लिए कास्टिंग कर रही थी, और एक कैरेक्टर उसमें वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सौदामिनी, उसके लिए वो एक्टर ढूंढ रहे थे। तो हमारे एक कॉमन फ्रेंड, उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया, क्योंकि वो हम लोग में भी असिस्ट कर रही थी हमारे डायरेक्टर को। तो जब नीरज से कहा उन्होंने कि भाई उनको ले लीजिए, तो
ही वॉज बिट टेकन अबैक क्योंकि उन्होंने हम लोग देखा था और भागवंती तो 40-42 साल की थी और मैं उस वक्त इन माई लेट 20s थी। तो फिर पूछा कि नहीं भाग जो भागवंती वो नहीं कर सकती क्योंकि सौदामनी का स्पैन काफी है फ्रॉम यू नो यंग टू ओल्ड। तो शी सेड कि नहीं एक बार मिल लीजिए आप, बोला ठीक है मिला दो भाई। तो फिर मुझे फोन किया कि आप आ जाइए जरा श्री राम सेंटर। मैंने कहा क्यों भाई श्री राम सेंटर क्यों आऊं? तो कहने लगे नहीं बताया नहीं किस लिए बुला रही थी मुझे वो कि नहीं बड़े दिन हो गए हम लोग नहीं मिले। तो मैंने कहा चलो भाई मिल लेते हैं। तो जब मैं वहां गई तो उन्होंने नीरज के साथ मेरा इंट्रोडक्शन दिया और कह रहे कि एक सीरियल बना रहे हैं प्रथम प्रतिशुद्धि। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो नीरज वॉज टेकन अबैक, ही सेड आपने किया था भागवंती का रोल? मैंने कहा जी। देखा बड़े और से आपाद मस्तक निरीक्षण किया फिर चले गए। दोबारा आया फिर से पूछा। मैंने कहा जी मैंने किया था। तो मैं थोड़ी चंबे में पड़ गई कि अभी तो पूछा फिर दोबारा क्यों पूछ रहे। खैर सो दैट वॉज माई फर्स्ट मीटिंग विथ नीरज। उसके बाद मैंने किया प्रथम प्रतिशुद्धि में सौदामिनी का रोल तो किया मैंने। फिर फुलवा वो भी नीरज ने डायरेक्ट किया था वो भी मैंने किया। आरंभ ना था ब्यूटिफुल टेलीफिल्म उसमें भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था बहुत छोटा छोटा एक दो सीन का था वो भी किया मैंने। कमर्शियल्स बहुत किए मैंने रेडियो प्रोग्राम बहुत किया। मुझे पता नहीं था कि नीरज वॉज डूइंग रेडियो। एक दिन फोन किया उन्होंने तो मैंने कहा पता आपकी आवाज बड़ी अच्छी है। सो ही सेड कि मैं रेडियो वॉइस हूँ ड्रामा वॉइस हूँ और मैं कमर्शियल्स करता है एंड लो एंड बिहोल्ड उस वक्त नॉट रेडियो से एक कमर्शियल आ रहा था कास मधु कास मधु कास मधु एंड द वॉइस वॉज ऑफ कोर्स नीरज शर्मा। सो गुड ह्यूमन बीइंग अ वेरी क्रिएटिव ह्यूमन बीइंग बहुत काम किया उन्होंने और बड़े प्रोग्राम्स किए हैं। सो माय बेस्ट विशेस टू हिम व्हाटएवर ही डज अ गुड ह्यूमन बीइंग शुड डू गुड वर्क एंड ऑल द बेस्ट नीरज व्हाटएवर यू डू। थैंक यू वेरी मच जयश्री जी। और शी इज अ वेरी फाइन एक्ट्रेस शी इज अ वेरी डियर फ्रेंड। मेरे साथ काफी प्रोजेक्ट्स पे काम किया है हम लोगों ने और इज अ वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो ब्रिगेडियर अरोड़ा है इनके हस्बैंड वो भी इज अ बेहतरीन इंसान है और इनके बच्चे दोनों चयनिका नोबिता मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अपने बच्चे हैं। थैंक यू वेरी मच आपने एक ऐसी फ्रेंड से मुझको आज मिला दिया। थैंक्स अ लॉट थैंक यू वेरी मच। मैं बताऊं आपको जिस फिल्म की इन्होंने बात की जिसमें मेरे साथ इन्होंने शिमला में शूटिंग की थी आरंभ उसकी प्रोड्यूसर शशि बख्शी थी तो मैंने इनको बुलाया था ये उन दिनों वहाँ थी पूना में। तो मैंने इनसे कहा कि एक और कुफरी रिजॉर्ट में शूट किया था तो बहुत एलिगेंट सेट था। तो मैंने इनसे कहा मैंने कहा बहुत बढ़िया रोल है और वो आप ही के करने के लिए आप आ जाइए। ये आ गई और काम किया और जब काम खत्म हो गया तो इसमें बड़ा खूबसूरत डायलॉग उन्होंने बोला था और वो डायलॉग था कि उसको लड़की को कहती हैं जो इनका लड़का उस लड़की से शादी करना चाहता है और मिलाने के लिए लाता है तो कहती हैं पाँव के नीचे रखने के लिए जमीन नहीं और आसमान को सूना चाहती हो। तो बहुत बढ़िया डायलॉग था बहुत खूबसूरत रहा। और जब ये जाने लगी काम खत्म करके तो मैंने प्रोड्यूसर जो साहिबा थी शशि बख्शी मैंने कहा इनको आप पेमेंट कर दीजिए। तो वो गई शशि जी गई इनके पास इन्होंने कहा नो इन्होंने पैसे नहीं लिए उसमें काम करने के कह लेकिन नहीं ये मैं नीरज के लिए आई हूँ और मैंने फिर स्पेशल अपीयरेंस का इनको टाइटल दिया। वेरी वेरी काइंड पर्सन। तो ऐसे कला के की यात्रा में जब ऐसे दोस्त मिल जाए जो कि क्योंकि ये बात जितनी सच है कि जो कलाकार होते हैं वो बहुत बड़े दिल वाले होते हैं उतनी ज्यादा बात ये भी सच है कि यही वो फील्ड है जहाँ पर सबसे ज्यादा बैक बाइटिंग होती है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। नहीं सही कह रही हैं आप। ऐसे जब दोस्त मिल जाएं और जब इतने दिनों के बाद भी उनका इतना अच्छा विचार रहे आपके बारे में तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि मैं तो जानती हूँ मुझे नीरज जी से जिन्होंने मिलाया वो मेरे गुरु हैं और बहुत आदरणीय मेरे लिए आदरणीय अजीत गुप्ता जी
जी उनकी उन्होंने तो जो बताया था और फिर नीरज जी से बातचीत करते हुए तो जाना ही जाना उन्हें, लेकिन अगर दूसरे भी ये बात कहते हैं तो मानना पड़ता है कि हाँ भाई इस शख्स में जान है। अच्छा, उन्होंने एक उसका जिक्र किया था कासवधू, जी वो कौन सा कोई कॉमर्शियल था वो? हाँ राजू जी, ये ना एक टीवी रेडियो कमर्शियल बना था पहले। वो अच्छा था रामू रटले, रामू, तो रामू का रोल मैंने किया, फीमेल वॉइस कहती है रामू, मैं कहता हाँ रटले कास मधु, वो कहता कास मधु, कहता हाँ खांसी की गुणकारी दवा है कास मधु, तो वो कहता कास मधु कास मधु कास मधु कास मधु, ऐसे रटता हुआ चला जाता है। तो वो जिस तरह से मैंने कास मधु बोला, वो रामो हाँ रटले कास मधु हाँ खांसी की गुणकारी दवा है कास मधु, रटता हुआ जाता है बावलों की तरह, कास मधु कास मधु कास मधु कास मधु। ये एड 80s में रिकॉर्ड किया था मैंने, और ये आज भी टेलीविजन पे आता है, फीमेल वॉइस बदल गई है, लेकिन वो रामो नहीं बदला। रामू एक और को दिलचस्प बात, बदलना असंभव हाँ है। एक और दिलचस्प बात, थैंक यू, एक और दिलचस्प बात बताऊं। मैं रेनू के एडवर्टाइजिंग में, यहाँ दिल्ली में निम्मी चान्ना थी वो, और वो कमर्शियल्स किया करती थी, स्टूडियो था यहाँ पर बॉम्बे में भी उनका स्टूडियो था, एनके स्टूडियो के नाम से कोलाबा में हुआ करता था। तो वो डाबर के लिए एक प्रोग्राम करती थी, साल सुनहरा दिन भी सुनहरे डाबर के, और ये प्रोग्राम करते थे पंडित विनोद शर्मा, लिखते थे विश्वामित्र आदिल। तो डाबर ने कहा कि ये प्रोग्राम दिल्ली में करो आप, क्योंकि डाबर का ऑफिस दिल्ली में है, कल के हमारे लिए आसानी होगी, आप दिल्ली में करिए इस प्रोग्राम को। तो दिल्ली में कैसे कौन करे, तो निम्मी जी के साथ मैं कमर्शियल किया करता था, विज्ञापन किया करता था। तो उन्होंने उनको विश्वामित्र जी को कहा कि आप दिल्ली आ जाओ, आर्टिस्ट मैं बुला लूंगी। तो विश्वामित्र आदिल दिल्ली आ गए। अब उन्होंने मुझसे बुलवाना शुरू किया, तो विश्वामित्र आदिल तो बोलते थे काट के बोलो काट के बोलो काट के बोलो, आयुर्वेदिक दवाओं और प्रसाधनों के निर्माता डाबर प्रस्तुत करते हैं अपना साप्ताहिक प्रोग्राम साल सुनहरा दिन भी सुनहरे डाबर के। अब ये पंडित विनोद शर्मा बोला करते थे, जिन्होंने बोलो ना जो अपनी बीवी से करते हैं प्यार, प्रेस्टीज से कैसे करें इनकार, दीपिका जी एक तो आपकी पार की नजर, ऊपर से निर्मल सुपर, ये मुझे कैसे आया बोलना पंडित जी की आवाज में। अब तो मेरा आज दिल्ली में ठंड बहुत है, गला पूरी तरह ठीक नहीं है। तो विश्वामित्र आदिल ने कहा कि आप बोलिए, हम उसे बुलवाया गया, और अल्टीमेटली बोलते बोलते मैंने 5 साल चला ये प्रोग्राम डाबर का, साल सुनहरा दिन भी सुनहरे डाबर के। जब मैं बम्बई गया तो विनोद जी के पास गया, वर्ली में, सीफेस वर्ली में रहते थे वो, और मैंने कांदीवली ठहरा था मैं, पंडित आनंद कुमार जी के घर के पास। तो मैंने उनको फोन किया, बोले हाँ भाई कहाँ है तू? मैंने कहा जी मैं कांदीवली में हूँ, आ जा लंच इकट्ठे करेंगे, ऐसी बोलते थे वो। तो मैं पहुंच गया वहां, फिर मैंने कहा जी मुझसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई बताओ? मैंने कहा जी वो मैंने आपकी आवाज की नकल करी है। हंसने लगे, मुझे मालूम है। तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, और उसके बाद मैंने न जाने कितने विज्ञापन विनोद जी के साथ की आवाज में दिल्ली में किए, उनके स्टाइल को कॉपी करके मैंने किया। तो ये एक उपलब्धि है, और उनका वरद हस्त हमेशा मेरे सर पे रहा, पंडित विनोद शर्मा जी का। तो ये मैंने आपको बात क्या बताई, बात बहुत जबरदस्त जी। क्या बात है। अच्छा, बातों के सिलसिले को जारी रखेंगे। जी कोई है उनसे मिल लेते हैं। जरूर, नमस्कार नीरज जी, मुझे पता लगा कि आज आप इस कुर्सी पर विराजमान हैं और आपके बारे में मुझसे पूछा गया कि मैं कुछ ऐसी याद बताऊं जो मेरे गुजरे पल आपके साथ थे। तो यादें तो इतनी हैं कि इनका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और मैं बयां करता करता थक जाऊंगा, लेकिन बातें खत्म नहीं होंगी, यादें खत्म नहीं होंगी। या यूं कह दूं कि सूरज के बारे में बोलने के लिए इस दीपक को आज
उस परवरदिगार उस ऊपर वाले ने चुना है। तो मुझे आज भी वो किस्सा याद है जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे, मेरी पहली टेली फिल्म थी आरंभ, जिसमें आपने मुझे बंटी का किरदार, विलेन का किरदार दिया था और मेरा गला बैठ गया था। आपने किस तरह से मुझे गर्म पानी पिला पिला, गरारे करा करा के मुझे उस रोल में फिट किया था। और आज भी मेरी यादों में वो दौर, वो पहाड़ों का दौर, और भी कई ऐसी यादें हैं जो आपके साथ आरामबाग, शालीमार बाग में गुजरी। लेकिन आप जैसा जीनियस आदमी मैं आज भी कह रहा हूं, और कई बार बिना पर्दे के भी कह चुका हूं आपको, मतलब पर्दे के पीछे भी आपको अक्सर फोन पे कहता हूं कि आपकी जगह दिल्ली में नहीं, मुंबई में है, और मुंबई में बसे आपके चाहने वालों के दिल में है। आप दिल्ली को छोड़िए, दिल से कह रहा हूं कि आप मुंबई आ जाइए। धन्यवाद नीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी एक लाइन मुझे आज भी याद है, नीरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी एक लाइन मुझे आज भी याद है कि दीपक, विलेन का रोल कभी मत छोड़ना, जब भी बनना विलेन के लिए ट्राई करना, हीरो के लिए कभी मत जाना। ये बात आपने मुझे 92 में बोली थी। आज तकरीबन 30-32 साल हो गए हैं, आज तक मैंने छोड़ा नहीं है, विलेन के ट्रैक पे ही चल रहा हूं मैं। और आपका आशीर्वाद है कि आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं बालाजी की कृपा से, आपका भी उसमें आशीर्वाद है। धन्यवाद। क्या बात है। ये जो दीपक है ना, दीपक चड्ढा, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं दीपक चड्ढा को रोल करता हुआ देखता हूँ, और इसने मेरी सलाह को मानते हुए नेगेटिव कैरेक्टर्स को ही चुना है। और मैंने इसलिए कहा था कि इसकी जो अप्रोच है, इसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो फेस कट्स हैं, वो नेगेटिव रोल के लिए ही जाते हैं और आवाज़ खास तौर पे जाती है। तो मैंने इसको यही कहा था मैंने नेगेटिव रोल में कामयाब हो गए। और मैं आज फिर कहता हूँ, ये नेगेटिव रोल करता है, एक दिन ये बहुत बड़ा विलेन बनेगा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का, ये मैं भविष्यवाणी है मेरी ये। और ये बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही विलक्षण प्रतिभा का धनी है दीपक, और बड़ी खुशी होती है। मैंने अभी नेल पॉलिश देखी इसकी फिल्म, और नेल पॉलिश में तो इसने कमाल का रोल किया था। मतलब इसने रेप किया है एक आदमी का एक टॉयलेट के अंदर। मैंने इसको फोन करके पूछा, भैया तूने ये कैसे किया? कहता है जी बस हो गया, आपकी लाइन याद थी मुझे। नेल पॉलिश फिल्म अगर आप देखेंगे तो ये टॉयलेट के अंदर हीरो का रेप करता है। दीपक बहुत विलक्षण प्रतिभा के धनी है। दीपक जी की बात जो उन्होंने कही कि जीनियस है, और आपकी जगह जब दिल्ली आपको अपना दिल समझती है और बंबई वाले उस दिल को बुला रहे हैं, तो कभी आप ये नहीं सोचते कि सीरियसली इस बारे में सोचना चाहिए? राजन जी, मैंने सोचा था, मैं बंबई रहा हूँ 5 साल, लेकिन अब कुदरत में जो लिखा होता है ना, उसको कोई टाल नहीं सकता। मेरे परिवार में कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गईं, मेरे फादर बीमार हो गए, बाद में मेरी मदर बीमार हो गईं, तो मुझे दिल्ली वापस आना पड़ा और अपना सजा सजाया घर छोड़ के मैं आ गया। और अब दोबारा से कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो रही हैं कि शायद मुझे बम्बई जाना पड़े। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं वो फिल्म पूरी तैयारी में लगा हुआ हूँ। बेगम का तकिया एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मैंने 92 में दूरदर्शन ने प्रपोजल मांगे थे, और पंडित आनंद कुमार जी को, जिन्होंने अनोखी रात के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला, तो मैं उनको दिल्ली बुला लिया था। अब बुला के उनसे स्क्रिप्ट लिखाई उसकी, दिए, प्रपोजल नहीं हो पाया, कुछ कारण थे उसके। तो मैं तन मन धन से इस प्रोजेक्ट के पीछे लगा हुआ था। अब कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं अब कि मैं, मुझे लग रहा है कि मैं इसको दोबारा से ट्राई कर रहा हूँ और शायद मैं बनाने में कामयाब हो जाऊँ। क्योंकि बेगम के तकिया के विषय में जितना शरद जी से मैंने जाना, आदरणीय पंडित सत्येंद्र शरद जो मेरे गुरु हैं, और पंडित आनंद कुमार जी से जाना, किसी दूसरे ने उतना नहीं जाना है। क्योंकि पंडित जी आनंद कुमार जी ने, वो हार्ड ऑफ हियरिंग थे, मशीन लगाते थे,
और कांदीवली के मकान में 2A नवरंग कांदीवली वेस्ट अपने चारपाई पे पलंग पे बैठा के मुझे वो अपने हाथों से मैग्नीफाइंग ग्लास लगा लगा के उपन्यास पढ़ा करते थे और मुझे बताते थे और मैं उनसे सवाल करता था, मुझे जवाब देते थे वो। और शरद जी से भी मैं ऐसी बात करता था और उन्होंने मुझे, मैंने उनसे एक दिन पूछा, पंडित जी ये बेगम का तकिया का जो कैरेक्टर है पीरा, पीर अली, कहां से आया गया, आपको कैसे सूझ गया वो? तो रजल जी उन्होंने मुझे बताया कि पीरा जब वो बेगम का तकिया लिख रहे थे तो लोनावला में उनको अपने एक दोस्त के मकान में वहां रखा गया, और वो जब, अच्छा वो चाम्स के सिगरेट पीते थे, जब दिल्ली में थे तो मैं उनकी चाम्स के सिगरेट ढूंढ के लाया करता था और चाम्स के सिगरेट पीते थे, और वहां बैठे हुए थे, सिगरेट पी रहे थे ऐसे खिड़की में बैठे हुए, तो उन्होंने देखा कि एक नंग धड़ंग सा आदमी, मराठी था वो, और चला आ रहा कांवर, खाली कांवर यहाँ लटकाए हुए, और चला आ रहा जाते आते गया, और वहां से उसने पानी भरा, एक पानी का झरना सा था, पानी भर के फिर यहां से लाद के और वो जाता और रोज चला जाता, और जाते जाते और फिर आता फिर चला जाता, कई दिन तक देखते रहे उसे। एक दिन उन्होंने आवाज बुलाई, उसको आवाज लगाई और बुलाया उसे, बोले मराठी में बोला, मुझे मराठी नहीं आती, तो उससे पूछा कि तुम क्या करते हो ये? कह लगा वो मैं पानी ले जाता हूँ उसके लिए, आदमी के लिए, मालिक का नाम बोला अपना। कि क्यों ले जाते हो? क्या मुझे 1 रुपया देता है एक दिन का? वो 1 रुपया, 1 रुपया देता है। हाँ। कह लगा अगर मान लो किसी दिन पैसा नहीं दे तो क्या करोगे? कह लगा नहीं दे तो नहीं दे, पानी तो मैं ले जाऊंगा, मेरा क्या है, मैं तो अपना काम करूंगा। वो नहीं दे तो नहीं दे, एक दिन दे देगा, और नहीं भी देगा तो क्या है, वो जाने। कह लगे ये है पीरा, ईमानदार, बेवकूफी की हद तक ईमानदार। हाँ, वो जो कैरेक्टराइजेशन उन्होंने मुझे दिया, चाहे वो पीरा हो, चाहे वो मीरा हो, चाहे अमीना हो, पीरा की वाइफ जिससे शादी होती है उसकी, चाहे रौनक बेगम हो, रौनक बेगम के बारे में उन्होंने मुझे बताया, कहने लगे रॉ ब्यूटी, तवाइफ है वो मुजरा भी होगा उसका, तवाइफ है, लेकिन जब बोलती है तो आवाज उसकी ऐसी, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, हमारी इंडस्ट्री से भी रिलेटेड एक महिला है, उनका उन जैसी आवाज, उन्होंने कोट किया उनका नाम कि वैसी आवाज चाहिए। तो जो कैरेक्टराइजेशन उन्होंने मेरे इस भेजे में डाल दिया और जो समझाया मुझे वो अद्भुत है। मेरे से बैठते थे, मेरे से कहते थे नीरज टेक करना, जम के ऐसे उंगली चलती थी उनकी, ऐसे जम के टेक करना है, जम के वहां पर। सो वो जो मेरे अंदर रच बस गया है ना, वो बाहर निकलने के लिए फड़फड़ा रहा है, और मैं बेगम का तकिया बनाना चाहता हूं, क्योंकि आज तक बहुत लोगों ने कोशिश की राजुल जी बेगम का तकिया बनाने की, मैंने पंडित जी को राइट्स वापस कर दिए, उन्होंने दूसरों को दे दिए, लेकिन कोई नहीं बना पाया, शायद मेरे भाग्य में लिखा है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। हम यही दुआ करेंगे कि हमें आपकी ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये पूरी तरह से फलीभूत हो और हमें देखने को मिले आपका ये एक और वो, क्योंकि प्रथम प्रतिश्रुति तो दिमाग में रच बस गई है, वैसे ही आपके जो दूसरे फुलवा भी आपका एक ऐसा ही वो था, बिल्कुल लोग चिपक कर देखते थे फुलवा, क्योंकि वो उस वक्त के लिहाज से, अब तो बहुत सारे वैसे धारावाहिक बनने लगे हैं, लेकिन बच्चों के को लेकर, बच्चे की मानसिकता को लेकर, और उस एक बार भी उस बच्ची के मुंह से ये नहीं लगा, हालांकि मैंने बाद में उसका एफएम बोर्ड के लिए मैंने उसका एक इंटरव्यू भी किया था, वो और उसके भाई का, एक बार भी नहीं लगा। तब मुझे हैरानी हुई उस लड़की को देख के कि अरे इसको तो इतना सरल सीधा साधा गांव का बना दिया था, और वो तब लड़की थोड़ी सी बड़ी भी हो गई थी, टीन हो गई थी, तो लग नहीं रहा था, लेकिन फिर भी एक किसी ऐसे शहर की लड़की को बिल्कुल उस रूप में ढाल देना, वो जो कहते हैं ना कि निर्देशक जो होता है वो बिल्कुल कुम्हार होता है, तो गुरु कुमार और
जितने शिष्य मिले वो सब कुंभ की तरह ढलते गए और वो कुंभ आज बहुत कला क्षेत्र को सींच रहे हैं। नीरज जी वक्त हो रहा है, लेकिन चलने से पहले एक और हमारे पास किसी की बात है जी, वो आपसे साझा करूंगी। किसी की बात क्यों कह रही हूँ मैं, वो मेरी बहुत आदरणीय अशना नागर दीदी की बहू हैं। उनका ये संदेश सुनते हैं। जरूर जरूर जरूर। नीरज जी और माइक, मुझे लगता है सिक्के के दो पहलू हैं। जब भी नीरज जी किसी किरदार को निभाते हैं तो मुझे लगता है वो किरदार सार्थक हो जाता है। कोई भी किरदार हो, आयु की कोई सीमा नहीं। आज भी नीरज जी चाहे वो बहुत ही युवा किरदार हो या फिर उम्र दराज हो, नीरज जी पूरी तरह से अपने आप को उस किरदार में फिट कर लेते हैं। नीरज जी को श्रव्य की दुनिया में देखना मात्र वाचन ही नहीं, वो आंगिक अभिनय देखना भी होता है। नीरज जी जो है वो अपने आप में एक स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है। जब जब कोई भी कलाकार उनके साथ काम करेगा उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने भी बहुत सीखा है नीरज जी के साथ काम करके। ये बहुत प्रतिभाशाली हैं, डायरेक्टर हैं, और इनके साथ भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। मैं दारा शिको कर रहा था इनके साथ, छोटा सा इंसिडेंट है, ज्यादा समझ नहीं लगेगा। दारा शिको कर रहा था सीरियल, और दारा शिको का रोल मैं कर रहा था। तो दारा शिको को औरंगजेब मार देता है। औरंगजेब का जो रोल कर रहे थे वो आर्टिस्ट पूरी रिकॉर्डिंग में नहीं आए, उनकी कुछ मजबूरी थी, वो बाद में आके रिकॉर्ड किया करते थे। तो मैं हमेशा कहता था कि वो औरंगजेब कौन कर रहा है, इन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। तो एक दिन जब क्लाइमेक्स आया तो उसको औरंगजेब मार देता आके, दारा शिको को मरना था। मैंने कहा हरगिज नहीं मरूंगा, पहले ये बताओ ये रोल कौन कर रहा है। खैर उन्होंने समझाया, मुझे बताया कि उस आर्टिस्ट की थोड़ी मजबूरी थी। मैंने कहा मैं नहीं मरूंगा, बता रहा हूँ, एंड चेंज करो। बहुत दिलचस्प बातें आपके साथ हुई हैं। और चलने से पहले जी, जहां से होता ना कि सफर की शुरुआत जहां से होती है, उस सिरे को मैं पकड़ के जरूर रखना चाहूंगी, क्योंकि मैं यही दुआ करूंगी कि आपके आने वाला हर वेंचर जो है वो बहुत सफल हो। आवाज की दुनिया से जुड़ने के लिए ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्या घर में कोई ऐसा था जिसके साथ आपने जिससे आपको ये पता लगा, या जैसे कभी कभी कोई कहता है कि किसी के फादर या कोई जानने वाला या फादर के दोस्त ऐसे आवाज की दुनिया में होते, आप कैसे आए थे इस दुनिया? बात यह है, मेरे पिताजी कविता लिखा करते थे, वो डॉक्टर थे, होम्योपैथ थे, कविताएं लिखा करते। तो हमारे घर में कविताएं वगैरह होती थी मेरे जन्मदिन पे, और ये सब हुआ करता था। मुझे न जाने कैसे रेडियो नाटक सुनने का शौक लग गया, और हमारे घर में बैकलाइट का छोटा सा रेडियो हुआ करता था, बहुत पुराना मॉडल, और वो हमारे फादर ने ऊपर रख दिया था। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ अर्ली 60s की, और ऊपर रख दिया था। तो मैं एक स्टूल पे खड़ा होके रात को 9:30 बजे नाट्य वेला आती थी आकाशवाणी दिल्ली से, और एक टांग से खड़ा हो जाता, फिर दूसरी टांग से खड़ा हो जाता, और मैं रेडियो नाटक सुना करता था। और बड़े पुराने पुराने नाटक मैंने सुने, और मुझे इतना अच्छा लगा। उनमें जेब कतरा है, चंडी दास है, डिप्टी है, बहुत सारे नाटक मैंने सुने। और सुनने के बाद ऊपर छत पर जब सोया करते थे जाके रात को, गर्मियों में छतों में सोया करते थे, तो मैं अकेला लेट गया जाके और अपने आप ही कुछ डायलॉग बोला थी। बोलते बोलते जब मैं 9th क्लास में था तो हमारे एक साथी था चानन सिंह, सरदार जी थे, वो युवाणी पे गाने के लिए आया करते थे। तो मैंने कहा यार मैं भी करूँगा महफिल के लिए, मुझे आप एप्लीकेशन डाल दो वहाँ पर। तो एप्लीकेशन डाल दी महफिल प्रोग्राम करने के लिए, ऑडिशन हुआ, मैं पास हो गया और मैंने महफिल की। तो हमारे घर पर टेप रिकॉर्डर भी नहीं था उस वक्त, तो किसी से टेप रिकॉर्डर ला के उसको रिकॉर्ड किया गया। और जब मैं लौट के आया तो मैंने सुना, अपनी आवाज़ को बार बार सुना, और जो घर में आता हम उसे सुनाते कि देखो सुनो। तो सब ने सुन के एक ही बात कही मेरे से, बोले
भैया तुम्हारी आवाज बड़ी अच्छी माइक्रोफोन पे सूट करती है, तुम रेडियो पे और प्रोग्राम क्यों नहीं करते? यहां से शौक शुरू हुआ और मैं रेडियो जाके युववाणी में नाटक करने लगा। सुचिंता पारुथी थी, वेद क्वात्रा थी, कमला शास्त्री जी हुआ करती थी, इन सब के साथ मैंने रेडियो नाटक किए। और उसके बाद मैं दिल्ली स्टेशन पहुंच गया, उसकी कहानी मैं आपको पूरी बता चुका हूं कि शरद जी जैसा मेंटोर मिल गया और उन्होंने घिस्सा मार मार के। एक छोटा सा इंसिडेंट मुझे याद आता है कि एक मेरे से परफॉर्म कैरेक्टर परफॉर्म नहीं हो रहा था, तो शरद जी आए गुस्से में कंट्रोल रूप से और बोले दो थप्पड़ लगाऊंगा, नहीं हो रहा। और मेरी निगाह ऐसी, वो चले गए। तो बाद में दूसरे बोले अच्छा मैं तो हीरो था, उस दर्जा मुझे मिल चुका था। बोले अरे क्या कह रहे हो, तुमको ये मारेंगे हैं? तुम तो हीरो, कैसे मारेंगे तुमको ये? मैंने उनसे कहा ये मेरे गुरु हैं, ये कह नहीं सकते, ये मार भी सकते हैं। तो उनका मुंह वहीं का वहीं बंद हो गया। तो ये जो हाँ शोभा मित्तल भी होती है, आलोक गोस्वामी जी लिख रहे हैं शोभा मित्तल भी होती है। अरे शोभा ने और मैंने तो बहुत प्रोग्राम किए, बहुत सारे प्लेस में काम किया है। बहुत बढ़िया। तो ये जो दिलचस्प घटनाएं जिंदगी की हुई और आकाशवाणी के अंदर बहुत कुछ सीखा करने को मिला, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि और बहुत सारे नए प्रतिभाशाली लोग आकाशवाणी से जुड़ते चले जाएं और आकाशवाणी का नाटक जो है वो ऊपर चढ़े, क्योंकि नाटक आकाशवाणी के नाटक में काम करके जो आवाज में कसावट आती है, जो एक्सप्रेशन आता है, परफॉर्मिंग आर्ट के लिए बहुत जरूरी है। टेलीविजन हो, फिल्म हो, स्टेज हो, बहुत आवश्यक है। क्या आवाज मांझने का कोई एक गुर जो चलते चलते आप देना चाहें हमारे सुनने वाले? देखिए कुछ लोग कहते हैं गले का ध्यान रखो, मैं बहुत ध्यान रखता हूँ गले का, मतलब ठंडा नहीं खाया, ये नहीं खाया। लेकिन अमीन साहब तो बर्फ भर के ग्लास में और क्या कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक हो कुछ भी हो वो उसको पी जाते हैं। लेकिन मैं थोड़ा ध्यान रखता हूँ कि खट्टा कम खाया वो किया। लेकिन दो चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं जो आवाज़ के लिए करना हर किसी के लिए आवश्यक है। शरद जी ने मुझे सिखाया कि रेडियो नाटक सांसों का खेल है, इज राइट। लेकिन अब हम सांसों को थोड़ा सा इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन सांसों का तूफान नहीं लाते, पहले लाते थे। बदलाव हुआ रेडियो नाटक में, उसका डेवलपमेंट हुआ है। तो सांस बहुत जरूरी है और आवाज की गहराई बहुत जरूरी है। और गहराई में मैं नहीं मानता कि बहुत ज्यादा बेस हो तभी आदमी ड्रामा कर सकता है, नहीं ऐसा नहीं है। तो सांसों के लिए प्राणायाम करे आदमी, ओम का उच्चारण करे, सब खुल जाता है। जी बहुत सारी बातें आपसे हुई हैं लेकिन अभी भी लग रहा है कि बहुत कुछ छूट गया है। और ये जो छूट गया है इसकी कसक, कहते हैं ना नीरज जी की थोड़ी सी कसक बाकी रहनी चाहिए, तो वो थोड़ी सी कसक हम अभी सुनने वालों के लिए बाकी छोड़ देते हैं। और नीरज जी बहुत जल्द एक किताब भी लिखने वाले हैं, सबकी बहुत फरमाइश रही है उनसे कि वो किताब लिखें। और कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बातचीत में छूट जाती हैं लेकिन जब एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होती हैं तो वो चीजें एक जिसको कहते हैं नजीर बन जाती है। बिल्कुल सही कहा, नजीर हम सबके लिए एक दिशा दिखाने वाली, हम सबको एक रास्ता दिखाने वाली बने और जाने, हमसे आगे आने वाले लोग ही जाने रेडियो के बारे में और रेडियो की समृद्धि के बारे में। सिर्फ रेडियो ही नहीं, एक कलाकार का बनना और बन के शिखर तक पहुंचना, उस यात्रा में वो किस किस पड़ाव से गुजरता है उसके बारे में भी जाने। तो नीरज जी से बस यही दरखास्त है कि जल्द से जल्द किताब लिखें और बेगम का तकिया हमको देखने को मिले, ये ईश्वर से प्रार्थना है। नीरज जी स्वस्थ रहें और उनसे जब भी बात करते हैं तो उनकी आवाज़ का जो एक बहुत जिसको कहते हैं बड़ी गर्मजोशी भरी आवाज़ रहती है वो बहुत मन को छूती है। तो
छूने की बात, जो कि बिल्कुल एक जाहिर सी बात है क्योंकि आवाज की दुनिया का इतना बड़ा जो इंसान है उसकी आवाज में गर्मजोशी तो रहेगी ही रहेगी। बहुत कुछ सीखना है आपसे। अब आज के इस रूबरू को यहीं पर हम खत्म करने की आपसे इजाजत चाह रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा जो रह गई, आपने कहा ना कि आपने अजीत भाई की बात की, अजीत गुप्ता, अजीत गुप्ता मेरे लंगोटिया यार हैं, बचपन के दोस्त हैं और मैं उनको कहता हूँ ही इज माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। कुछ भी बात होती है मैं उनको फोन करता हूँ, आपसे बात करने के बाद भी करूंगा अभी फोन, और हमारी घंटों बात होती है। ये तो मेरा एक और इम्तिहान होगा जिससे गुजरना होगा। नहीं, नहीं है के सामने। वो और हमारी बात क्या होती है, देखिए हम सब लोग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, पढ़े लिखे संस्कारी लोग हैं, लेकिन शरद जी कहा करते थे कि जब यही संस्कारी लोग बैठते हैं आपस में इकट्ठे एक जैसे लोग होते हैं तो इनकी जो बातों का पैटर्न होता है आप सुनोगे तो मजा आ जाएगा आपको। तो मैं मानता हूं कि कुछ लोग आपस में जब मिलते बैठते हैं तो वो दिल खोल के बात करते हैं, ये कुछ नहीं होता कि ये कह देगा ये कह देगा। तो मेरा और अजीत भाई का जो रिश्ता, अजीत भाई बहुत बड़ी हस्ती है लेकिन ही इज ए वेरी सीनियर ब्रॉडकास्टर, तो उनका जो रिश्ता है ना, जब मैं फ़ोन करता हूँ तो अब मैं पुरानी दिल्ली का हूँ, पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूँ, आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन ओल्ड दिल्ली, तो वो भी वहीं के हैं, तो मेरे से कहते हैं सरकार की जय हो, और मैं कहता हूँ भाई को अजीत भाई भाई को। तो मैं इस अच्छे नोट पे इस बात को बातचीत को समापन करना चाहता था, इसलिए मैंने ये बात की। जी वाकई अजीत जी का जिक्र जब जहां पर आ जाता है तो समझ लीजिए कि बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारा विश्वास, ये सब अजीत सर का दिया हुआ एक ऐसा कवच है जो कि हमेशा साथ में रहता है। बिल्कुल, और आपकी बहुत तारीफ करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं आपकी। अरे वो गुरु है और आप भी हमारे गुरु ही हैं, इतने वरिष्ठ, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। तो अब आज के इस रूबरू को यहीं पर खत्म कर रहे हैं और ढेर सारी आपको शुभकामनाएं, बहुत सारा आपके लिए बहुत सारी प्रेयर्स की जल्द से जल्द वो जो प्रोजेक्ट बरसों से मन में घूम रहा है वो साकार होकर हमें देखने को मिले, और आपकी जो अनुभव है वो दूसरों तक पहुंचे ताकि वो कुछ सीख सके, क्योंकि ऐसे सिखाने वाले, सीखने वाले तो रहे ही नहीं, सिखाने वाले भी अब नहीं रहे, तो कुछ पढ़कर ही सीख सके ये बहुत बड़ी बात है। आप प्रकाशक के इस पटल पर आए, इतना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत 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 थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार।